गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह सुबह की शिक्षा ज्योति खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं और पीएस क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। ये खबरें आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं, तो दोस्तों अगर पहली बार आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगर हमारे पुराने व्यूवर आप हैं तो केवल एक लाइक कर दीजिएगा, अगर हमारे नए व्यूवर हैं तो तीन काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों बता दें कि आज के समाचार पत्रों में ये खबर छाई, अभ्यर्थियों की नियुक्ति का खुला। बता दें दोस्तों, शिक्षा शास्त्र में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनितों को जनवरी में नियुक्ति मिलने की उम्मीद। बता दें दोस्तों, निदेशालय ने काउंसलिंग के लिए मांगे संशोधित मोबाइल नंबर। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने का रास्ता खुल गया है। मंगलवार को शिक्षा निदेशालय में अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन के बाद निदेशालय ने चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू करने के लिए अभ्यर्थियों से उनके संशोधित मोबाइल नंबर मांगे हैं। बता दें दोस्तों कि आज के समाचार पत्रों में यह भी खबर छाई है, पहली बार राज्य कृषि सेवा का गठन, 564 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू। अब तक पीसीएस परीक्षा के माध्यम से होता था चयन, यूपीपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने सम्मिलित राज्य कृषि सेवा का गठन करते हुए 564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब इन पदों की भर्ती पीसीएस परीक्षा के माध्यम से ली जाएगी, पहली बार इन पदों पर भर्ती के लिए अलग से परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गए हैं, ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी है। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी है। आयोग की वेबसाइट पर भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी कर दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है, जिसमें परीक्षा से सम्मिलित होने और नए निर्धारित आयु एवं अर्हता संबंधी सभी नियमों एवं शर्तों का उल्लेख किया गया है। तो बता दें दोस्तों कि आपके लिए बहुत ही बड़ी खबरी है, खुशखबरी है। दोस्तों बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन कृषि विभाग का 300 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जो कि वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इन प्रश्नों की जो संख्या होगी 120 होगी, कृषि विषय के 30 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए कुल 2 घंटे का समय मिलेगा। तो बता दें दोस्तों कि मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, पहला प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी और दूसरा निबंध होगा जो कि 100 अंकों के प्रश्न पत्र को 2 घंटे में हल करना होगा। तो बता दें दोस्तों कि आज के समाचार पत्रों में यह भी खबर छाई है, कैंडल बार्स निकालेंगे दिव्यांग। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों को मानक के अनुरूप आरक्षण नहीं दिए जाने के खिलाफ बेसिक शिक्षा परिषद पर दिव्यांगों का धरना लगातार 16वें दिन भी जारी रहा। दिव्यांग अभ्यर्थियों का मांग है कि 2016 के आरपीडब्ल्यू एक्ट के अनुसार उन्हें शिक्षा भर्ती में 4% आरक्षण दिया जाए। दिव्यांग अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को पत्थर गिरिराज घर से सुभाष चौराहा सिविल लाइंस तक कैंडल मार्च निकालेंगे। तो बता रहे दोस्तों कि आज के समाचार पत्रों में एसएससी की बहुत बड़ी एक जो है विज्ञप्ति के बारे में यहां बताया गया है, 6,506 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। सीजीएल 2020 एसएससी की ओर से 31 जनवरी 2021 तक लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। बता दें दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा सीजीएल 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग की ओर से 6,506 पदों के लिए आवेदन 29 दिसंबर 2020 से शुरू होकर 31 जनवरी 2021 तक लिए जाएंगे। एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म करते हुए आयोग ने आधिकारिक नोटिफिकेशन मंगलवार को जारी कर दिया। टीयर फर्स्ट की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 29 मई से 7 जून 2021 के बीच होगी। आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर नोटिफिकेशन के आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग की ओर से आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 की गई है। अभ्यर्थी 2 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकते हैं, चालान के माध्यम से 4 फरवरी 2021 तक शुल्क जमा कर सकते हैं। तो बता रहे दोस्तों, जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो है ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर 2020 से शुरू, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021, ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2 फरवरी 2021, चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 फरवरी 2021, सीजीएल टीयर फर्स्ट की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 29 मई से
29 मई 2021 से। तो बता दे दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है, CHSL 2019 टियर फर्स्ट परीक्षा का परिणाम 15 जनवरी को, 14 परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की संभावित तिथि जारी। SSC ने एक साथ 14 परीक्षाओं के परिणाम की संभावित तिथि जारी कर दी है 11 जनवरी 2021 को। जेई परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। CHSL टीयर 19 की टीयर फर्स्ट का परिणाम 15 जनवरी और 2021 को, कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम 20 जनवरी, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2020 पेपर फर्स्ट का परिणाम 20 जनवरी, सीजीएल 2019 टीयर 2 का परिणाम 20 जनवरी 2021, दिल्ली पुलिस में एसआई परीक्षा 20 का परिणाम 26 फरवरी को जारी होगा। आयोग की ओर से जेई परीक्षा 2019 पेपर फर्स्ट परीक्षा का परिणाम 26 फरवरी, MTS 2019 का अंतिम परिणाम 5 मार्च, दिल्ली पुलिस में सिपाही भर्ती 2020 का परिणाम 15 मार्च और 2021 को, CGL 2018 का 31 मार्च 2021 को, सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 परीक्षा 2020 का परिणाम 9 अप्रैल 2021 को। दोस्तों बता दें कि आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है, 36,000 शिक्षकों को स्कूल का आवंटन नहीं, बेसिक शिक्षा परिषद में प्राथमिक स्कूलों के लिए नव चयनित 36,590 शिक्षकों में से बड़ी संख्या में नियुक्ति तो पा चुके हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र मिलने के 20 दिन बाद भी उन्हें स्कूल आवंटित नहीं हो सका है। वे सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में केवल हाजिरी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ जिन शिक्षकों को अक्टूबर में नियुक्ति हुआ स्कूल का आवंटन हो चुका है, अधिकांश जिलों में उनका वेतन ही जारी नहीं हुआ। प्रसिद्धि स्कूलों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत दो चरणों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई। पहले 31,277 शिक्षकों को अक्टूबर में नियुक्ति पत्र दिया गया और उसी माह उन्हें स्कूल भी आवंटित हो गया। दूसरे चरण में 5 दिसंबर को 36,590 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया गया है। दोस्तों बता दें कि ऐसे ही समाचार पत्रों के लिए आप राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक जा सके। दोस्तों आप 3 काम करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। पुराने व्यूअर हैं तो केवल एक लाइक कर दिए, लाइक करने से कुछ आपका जाता नहीं है, हमें फीडबैक मिलता है। और अगर हमारे नए व्यूअर हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर के साथ साथ राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। दोस्तों एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।